एक चांस भी मिला, मगर जब खेलते हैं फिर प्रॉपर बैटिंग भी कर सकते हैं, टेक्निकली साउंड है, इम्प्रोवाइजेशन तो बला की करते हैं, 160 का स्ट्राइक रेट है, 50 की एवरेज है T20 आईज में, तो और क्या करना है इनको। वही पिच है, वही अमेरिका है, लेकिन हमने देखा कि ठीक है आखिर में तो इंडिया आराम से जीत गया, लेकिन फंस तो गया था इंडिया भी आज के मैच में। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार और दुबे। न्यूयॉर्क में छक्के कैसे लगते हैं ये, लेकिन बहुत सारे प्रोक्लेम्ड सेल्फ क्लेम्ड किंग्स नहीं बता सके, लेकिन सूर्या ने बता दिया। थैंक्स टू इंडिया, हम ऑब्वियसली शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज उसने जिस तरह से मैच खत्म किया है, कम से कम पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो उसने अमेरिका से बेहतर कर दिया। इंडिया के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये मैच, क्या नाम है, जीतना। अल्लाह ना करे अब नहीं क्वालिफाई करता, जैसे साउथ अफ्रीका 2003 वर्ल्ड कप में एक रन की वजह से नहीं कर सके, तो ये नौबत हमारे पे आ गई। हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस यूएसए के कल वाले मैच के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया ने यूएसए को भी अच्छी तरीके से रौंदा है, इस तरह इंडिया ने वर्ल्ड कप के सुपर एट में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। इसको देखकर रमेश राजा और पाकिस्तानी बौखला गए हैं और कुछ तारीफ भी कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। अरे सुपर एट में चले गए हैं, डिजर्व करते हैं। यूएसए ने अच्छा तगड़ा मुकाबला किया भारत का, हालांकि भारत ने मुकाबला जीत ही जाना था, वर्ल्ड क्लास टीम है भारत। यूएसए ये कहेगा कि हमने मैच को खींचा, मगर एक दफा जब दुबे और सूर्य कुमार की पार्टनरशिप लग गई तो ये मुकाबला भारत के हाथ में ही था। मगर यूएसए अगर सुपर एट्स में जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो जाएंगे, तो रिचली डिजर्व करते हैं। हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क, सूर्य कुमार यादव देखिए आउट ऑफ द पार्क तो ज्यादा शॉट्स नहीं खेले हैं, मगर इनका फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है। टफ पिच थी सूर्य कुमार यादव के लिए, एक चांस भी मिला, मगर जब खेलते हैं फिर प्रॉपर बैटिंग भी कर सकते हैं, टेक्निकली साउंड है, इम्प्रोवाइजेशन तो बला की करते हैं, 160 का स्ट्राइक रेट है, 50 की एवरेज है T20 आईज में, तो और क्या करना है इनको। कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए इनको क्रीज पे, जो कि मिला यूएसए के अगेंस्ट। आगे चल के आप देखिएगा कि ये मैच विनर कैसे साबित होते हैं भारत के लिए, जैसे ही अच्छी पिचेस में ये खेलेंगे तब आप देखिए तबाही मचा देंगे। ये भी बड़ी सॉलिड एक नॉक था, एक पार्टनरशिप अच्छी थी दुबे के साथ, क्योंकि वहां पे स्लिप नहीं कर सकता था भारत, क्योंकि प्रेशर क्रिएट एक तरह से हो चुका हुआ था। तो ओवरऑल एक बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं ये, और इसमें इस इनिंग्स में खासतौर पर दिखाया कि रह के ठहर के खड़े होके भी ये लाजवाब बैटिंग कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में छक्के कैसे लगते हैं ये, लेकिन बहुत सारे प्रोक्लेम्ड सेल्फ क्लेम्ड किंग्स नहीं बता सके, लेकिन सूर्या ने बता दिया। लेकिन यार जो आज हर्षदीप ने लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलिंग का मुजाहिरा किया, बल्कि बास जगहों पर उसने लेंथ को बड़ा अच्छा हिट किया। इंडिया डिड वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल, मान रहा हूँ 17 ओवर ले लिए इंडिया ने, लेकिन डेफिनेटली यार अगर इंडिया के सामने ये लोग 140-45 देते तो किसी और तरह की बैटिंग देखने को मिलती। मतलब ये ट्रिकी सिचुएशन है, मुश्किल कंडीशन है, अगर थी अबे तो विराट अगर फेल है तो ये सूर्या कैसे खेल गया? सूर्या भी खेल गया, और वो खेल के गया जो कोई और खेल के नहीं गया, और सूर्या के लिए बड़ा अच्छा साइन है ये। अगर ये मुश्किल कंडीशन थी बैटर्स के लिए, अच्छा सूर्या कैसे खेल गया सवाल है। सूर्या ने बहुत वक्त लिया विकेट पे, बाद में उसने चला दी मार 4.5, उसकी हमने पूरे आईपीएल बजाई है। हाँ, और बताया मारेगा भाई, अगर इस पे भरोसा है तो ये उसी वक्त चलेगा जहाँ पे सब फेल है। और इंडिया के लिए असल गेम हमेशा से सारी टीमों को छोड़ के इंडिया के लिए ये तय था कि इंडिया ने तो सुपर एट में जाना ही जाना है, क्योंकि हर एक्सपर्ट की सेमीफाइनलिस्ट में एक टीम मुश्तरक है वो इंडिया है। ये जरूर है कि इंडिया दो मैच हारा हुआ होता और यूएसए से आज जीतता तो मैं जरूर बजा देता, ये कोई जीत है, ये कोई जीत है। मगर अगर एक कप्तान जो दो मैच जीता हुआ आ रहा है, 3 out of 3 हो गया, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, उसके बाद क्रिकेट के अब्बू की कोई परफॉर्मेंस नहीं, 5 run है उनके, ठीक है चलो मैं बता दूं 68 run रोहित शर्मा के टोटल 3 matches। अब मुझे एक बात बताए, नहीं कोई तो कर रहा है, पंत को पाला किस लिए, सूर्या को रखा किस लिए, उबे को लाए क्यों है लड़के, पांड्या को क्यों इतने चंद लोगों के, हार्दिक पांड्या आधे इंडिया की मुखालफत के बावजूद है 14 run 2 विकेट, रविंद्र जडेजा को ओवर नहीं कराया, हर्षदीप जिस पे सपने मूंग दली है पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया से लेके आईपीएल और आईपीएल से लेके यहाँ तक क्या ठुकरा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, बोलर बन के सामने आ गया, बुमराह 10 विकेट ले लेता बेकार थी क्योंकि अमरीका की टीम है, तो अब कर कौन रहा है भाई, किंग कौन कर रहा है आगे मुझे बताओ ना, कैसे हो रही है ना, किंग सूर्या, शिवम दुबे पिछले 2 मैच जितने बारीक थे यार, क्या शिवम दुबे के पास बहुत तजुर्बा है, जडेजा को आमिर खान, इसलिए आज सूर्या कुमार
आगे का बॉल यूं ही फेंक दिया, आगे बंद नहीं कर रहा, लबाड़ नहीं रहा, यूं आया 1440 नटवाल कर चल भी निकल तेरी ऐसी आग बरसाई है सूर्या ने आखिर में आग। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं अंदर कोई उनके लिए गाना चलवाया गया कि सूर्या तू अब तो आजा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।